हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HPGS जॉन मैन। मित्रों, आज का जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियां। तो आज हम भारत की मिट्टियों से जो वनडे एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं उनको सभी को देखेंगे, किस किस तरह से इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और देखिए, इससे पहले के अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से। अच्छा चलिए, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा हाँ, टॉपिक पे चलने से पहले एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात ये है मित्रों के जो पैट की एग्जाम डेट है, पीटी की जो एग्जाम डेट है वो आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है ना। वो 24 तारीख हो गई है ना, 20 की जगह वो कितनी हो गई है, पहले 20 थी और अब वो 24 तारीख हो गई है। तो आप सभी को पता होगा 24 अगस्त को अब ये एग्जाम दो पालियों में होगा, ठीक है ना। चलिए तो बातें करते हैं मिट्टियों के विषय में, जाने आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी क्या है। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो ये एक प्राकृतिक और बहुमूल्य धरोहर है भाई। मिट्टी क्या है, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है। और सही मायने में जो मिट्टी है इसको हम लोग इंग्लिश में सोयल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में मिट्टी को सोयल बोल देते हैं। और ये जो सोयल शब्द है ये लैटिन भाषा से बना है। बहुत बार पूछ लेता है कि शब्द किससे बना है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। अगर हिंदी में हम इसको देखें कि हिंदी में सोलम का क्या मतलब होता है, तो हिंदी में सोलम का मतलब होता है फर्श, फ्लोर या फर्श, हिंदी में इसका मतलब फर्श होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि मिट्टी कहाँ से बना है और कैसे बना है। मित्रों, जब भी हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं या मिट्टी के विषय में कहते हैं तो एक चीज रहती है कि अध्ययन करना। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मृदा अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन, मृदा अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन या मृदा अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। याद रखिएगा, मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। और देखो, मिट्टी के विषय में कुछ और पॉइंट, जैसे मृदा दिवस मनाया जाता है, मृदा दिवस तो बहुत बार पूछ लेता है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस क्या मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए या मिट्टी के लिए 2015 वर्ष को यूएनओ द्वारा, समझ रहे हैं, 2015 वर्ष को यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखेंगे आप 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किसने घोषित किया था 2015 को, तो यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको घोषित किया गया था, ठीक है ना। क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा दूषित हो रही है, मिट्टी का भी हमको संरक्षण करना है, ठीक है ना, इसलिए ये वर्ष घोषित किया गया। इसमें क्या है कि आप लोग प्लास्टिक का कम उपयोग करें, सबसे ज्यादा जो मिट्टी दूषित होती है वो प्लास्टिक के अलावा जो है जितने भी हम अपने खेतों में दवाइयां कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो इससे मृदा क्या होती है वो खराब होती है, उर्वरक क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी अगर बात करें उर्वरक क्षमता क्या होती है, तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, उनसे क्या होता है कि अगर पौधा पोषित हो रहा है तो वही उसकी उर्वरा शक्ति कहलाती है। अगर मिट्टी पौधे को पोषित कर पा रही है तो वो उसकी उर्वरा शक्ति है, ठीक है ना। ये तो ये प्राकृतिक भी होती है, दूसरा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, या हम ये कहेंगे कृत्रिम तरह पे इसमें खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद और कुछ हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भी इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों की, अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टियों का अध्ययन जो है भारत में कौन करता है, या किसने बताया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। तो आप एक संस्था है उसको याद रखेंगे, ICAR, इंडियन काउंसिल, पहले इंडियन काउंसिल होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है रिसर्च, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसको हिंदी में कहेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र या भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको हम लोग बोलते हैं ICAR। और इसके अगर हम गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ है, तो ICAR का गठन हुआ है 16 जुलाई 1929 को गठन हुआ है ICAR का। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत बार आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अच्छा मित्रों देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में जो कृषि विभाग है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो इतिहास में अगर पढ़ा हो आप लोगों ने इतिहास, तो पता होगा आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले कृषि विभाग बनाया था, ठीक है। और उसके बाद 1856 में एक एक्ट लाया गया कृषि विभाग के लिए, और ये जो अपने वास्तविक स्वरूप में आया है वो 16 जुलाई 1929 को आया। तो कभी कभी इससे लिंक्ड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए भारत में कितने प्रकार की मृदा है ये कौन बताता है, तो ये बताता है ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बताता है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा है। और अगर हम देखें कि ICAR के अनुसार भारत में जो मृदा है वो 8 प्रकार की है, कितने प्रकार की है, तो ICAR ने जो बताया है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा है, 8 प्रकार की मिट्टी है, है ना। तो वो कौन कौन से 8 प्रकार हैं मैं आपको क्रम से बता देता हूं, और आप सामने फोटो में भी या सामने के चित्र में भी ये चीज देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले की अगर बात करें तो जलोढ़, सबसे पहले की बात करें जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ठीक है, नहीं जलोढ़ या दोमट होती है। अगर दूसरे की बात करें तो काली मिट्टी, काली मिट्टी दूसरी होती है। तीसरे की बात करें तो लाल मिट्टी। चौथे की बात करें तो लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है ना, ये सब मिट्टी है, याद रखेंगे आप लोग, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अगर क्रम में हम पांचवा देखें तो पांचवा पढ़ेंगे लैटेराइट के बाद, आप मरुस्थली पढ़िए, मरुस्थली मिट्टी या इसको शुष्क भी बोला जाता है, शुष्क मिट्टी। इसके बाद छठवां लवणीय मृदा, ऊसर कलर भी कह देते हैं इसको। अगला है आठवां बनीय या इसको बोल देते हैं पर्वतीय, बनीय या पर्वतीय मृदा, ठीक है ना। और एक रह गया आपका जैवी या पीट मृदा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ICAR ने जो भारत की मिट्टियां हैं उसको कितने प्रकार से डिवाइड करके रखा है, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, मरुस्थली या शुष्क मिट्टी, लवणीय मृदा, बनी या पर्वतीय मृदा, और जैवी या पीट मिट्टी। तो इस तरह से ये भारत की मिट्टियों को डिवाइड किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब देखिए आप लोग यहां से चित्र में देख पा रहे होंगे, देखो ये बनी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, जहां जहां पर्वत होंगे ज्यादा वहां वहां ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये दोमट मिट्टी जहां नदियों के क्षेत्र होते हैं अधिकतर, ये दोमट है, यहाँ दोमट है, ये वाली दोमट है, ठीक है ना। इसके बाद लाल मिट्टी, ये देख रहे हैं आप इस चित्र में लाल है, उस तरफ लाल है, ये पूरा जो एरिया है वो लाल मिट्टी का है। इसके बाद आप काली मिट्टी का क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र काली मिट्टी का है, इसके अलावा गुजरात में ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी का है। लैटेराइट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे है लैटेराइट, केरल में है, ये तमिलनाडु में है, और उधर जाके ये पश्चिम बंगाल में लैटेराइट है, उसके अलावा ये
पूर्वांचल के राज्यों में भी कुछ मात्रा में लैटेराइट पाई जाती है। तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं, इसकी जो विशेषताएं जो एग्जाम में बनती हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पहली मिट्टी है उसी को देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले भैया क्रम में जलोढ़ मिट्टी, तो देखो सबसे पहले नाम ही देख लो जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी को आप लोग देखते हैं दोमट मिट्टी कहा जाता है, इसके अलावा इसको कांप मिट्टी भी कहा जाता है, इसको कछार भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी। तो कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी। इसके अलावा अगर इसके पार्टों की बात करते हैं तो जलोढ़ को दो प्रकार से बांट लिया जाता है। जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी है। जब जल बहाकर ला रहा है तो हर बार लाता होगा नई मिट्टी, ठीक है ना। तो उसी क्रम में इसको दो भागों में बांट लिया गया है, एक होती है आपकी बांगर मिट्टी और दूसरी होती है खादर। खादर और बांगर दो प्रकार से बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को। इनमें से बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि बांगर क्या है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। तो खादर, बांगर, कांप, कछारी सब ये जलोढ़ के पार्ट हैं। अगर मित्रों हम इसके क्षेत्र को देखें तो ये सबसे ज्यादा है, लगभग भारत के 40% भाग पर है जो सबसे ज्यादा है। पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा है, तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्र पर है मृदा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्षेत्र पर है, आप लोग देख पा रहे हैं। अधिकतर कहाँ है तो आप लोग देख रहे हैं पंजाब का क्षेत्र है इसमें, ये कुछ मायने में यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्र बॉर्डर टच होता है यहाँ पे, ये पंजाब आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, कुछ मायने में झारखंड, कुछ मायने में पश्चिम बंगाल, तो कई एक जगह है इसका क्षेत्र, ठीक है ना। इसके अलावा ये आप तलहटी देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब स्थित है। हम विशेष तौर पे ये कहाँ होती है, जहाँ पे जल बहता है, या हम कहेंगे नदियों के द्वारा जो बनाए गए मैदान हैं, नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं उन मैदानों में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अच्छा एक और विशेष बात, बहुत बार ये पूछता है कि इस मिट्टी में किस किस चीज की कमी होती है। तो अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, इसमें जो कमी होती है वो नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस का मतलब जीवाश्म, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, नाइट्रोजन की कमी प्रत्येक मिट्टी में ही है, एक मिट्टी को छोड़ के। अगर अब हम इन सभी मिट्टियों को देख लें तो केवल ये वन या पर्वतीय ही मिट्टी ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है। और आती कहाँ से है, तो ये पत्ते टूट टूट के, भाई जो पत्ते टूटेंगे तो वहीं पे वो नष्ट हो जाएंगे, तो वहां से नाइट्रोजन आती रहती है। जबकि बाकी सभी मिट्टियों में कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की। अरे आप लोग इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई मृदा में जिस चीज की कमी होगी हम वही तो लगाएंगे। आप लोग प्राय देखा होगा, आप लोगों ने खेतों में यूरिया लगाया जाता है, तो यूरिया क्या है, आप यूरिया का जब पैकेट देखेंगे तो उस पर लिखा होता है यूरिया 46%, ठीक है ना। भाई जिस चीज की कमी है ना वही तो लगाएंगे, नाइट्रोजन कम है इसलिए लगाते हैं, अगर नाइट्रोजन होता तो नहीं लगाते, ठीक है। तो याद रखिए इन चीजों को। तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ में। फसलों की बात करें तो लगभग सभी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये जलोढ़ मृदा से बनने वाले सामान्य प्रश्न है। अगला देखिए, अगली जो मिट्टी है क्रम में काली मिट्टी है। अगली मिट्टी क्या है भैया, तो अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को अगर हम देखें नंबर दो, दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी, और अगर हम काली मिट्टी के नामों को देखें तो देखो काली मिट्टी को कुछ नाम है, जैसे इसको कपासी मिट्टी, कपास अधिक होती है तो इसलिए इसको कपासी मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। बहुत बार केवल बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वो ये पूछता है रेगुर मिट्टी कौन सी है या कपासी मिट्टी कौन सी है, तो आप आसानी से बता देंगे कि काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये काली क्यों होती है, काले का कारण देखते हैं। तो काले का कारण है, ये मिट्टी काली होती है, एक प्रकार का ह्यूमस होता है जिसका नाम है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट,
टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड की उपस्थिति के कारण ये मिट्टी कैसी हो जाती है, काली होती है। और इस मिट्टी के कण सबसे बारीक, इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो सबसे बारीक कण होते हैं, सबसे बारीक कण होते हैं इसके, और सबसे बारीक कण होने के कारण ही पानी को सबसे ज्यादा दिनों तक संरक्षित कर सकती है। जब कण सबसे बारीक हैं तो पानी इसमें ज्यादा दिनों तक भरा रहता है, पानी को सर्वाधिक समय तक, पानी को सर्वाधिक समय तक ये क्या करती है, संरक्षित कर सकती है। दूसरा देखो, अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रतिशत क्या है, तो भारत में ये लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है। बनी कैसे थी ये मिट्टी, तो ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से जिन बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ था उनके अपक्षय से, उन चट्टानों के टूटने से। तो याद रखिएगा, इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है आपका, इसके अलावा गुजरात है, गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत आयात में है ये मिट्टी, इसीलिए कपास के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र है और यहाँ ज्यादा मात्रा में कपास होती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, और कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में कि काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो दक्कन ट्रेन, आप लोग जानते हैं यहाँ जो स्थित है दक्कन ट्रेन, वो काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी से बनने वाले क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं लाल मिट्टी, लाल मृदा। तो देखिए, तीसरा जो नंबर पे आती है क्रम में वो लाल मृदा है। लाल मृदा का दूसरा नाम देखेंगे सबसे पहले, लाल मृदा हम जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा लाल मृदा, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी आप लोग देख पा रहे हैं, वो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, उसके अलावा वो क्षेत्र उधर पूर्वांचल में वो भी लाल मिट्टी का है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लाल मिट्टी की, इसके क्षेत्र को देख लो, तो इसका क्षेत्र है आपका ये लगभग भारत के 18% भाग पर है लाल मिट्टी। और देखो, ये परसेंटेज से कभी परेशान मत हो जाना, बहुत सी किताबों में परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। सही परसेंटेज यही है, लगभग 40 के आसपास आपका दोमट का रहेगा, और उसके बाद 22 के आसपास काली का रहेगा, फिर लाल का रहेगा। कहीं कहीं लाल का ज्यादा दिया और काली का कम दिया है, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, फिर आप जो है देखते रह करें ये क्या है, ठीक है ना। अलग अलग तरह से बुकों में दिया है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिए, 18% जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और लाल मिट्टी के अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी, अरे भाई बहुत से लोग जानते होंगे, जब कच्चे घर होते हैं तो उनकी लिपाई के लिए जो मिट्टी लाई जाती है वही लाल मिट्टी है, जिसको पीला मिट्टी बोल देते हैं कि पीला मिट्टी लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है तो समझिएगा। सबसे पहले इसके जो लाल रंग का कारण है, लाल रंग क्यों होता है, तो उसका कारण होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, तो ये लाल रंग की होती है। अरे लोहा होता है, कुछ मात्रा में सिलिका भी होता है, लेकिन थोड़ा सा सिलिका और आयरन ऑक्साइड होता है इसमें, सिलिका भी लिख लेना, कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, दोनों दे देता है। तो आयरन ऑक्साइड और सिलिका की उपस्थिति के कारण ही ये लाल नजर आती है। लेकिन जैसे ही इस मिट्टी में पानी डाल दिया जाए, पानी डालने से ये जो आयरन है वो बैठ जाता है, फिर ये कैसे नजर आती है, तब ये पीली नजर आती है। तो आप याद रखेंगे कि लाल मिट्टी में जब पानी डाल देंगे तो मिट्टी कैसी बन जाती है, वो मिट्टी हमको पीली नजर आती है, फिर इसको पीला मिट्टी बोलने लगते हैं। सामान्यतः देखो, ये काली मिट्टी और दोमट मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ रहती है, या जो ज्यादा ऊर्जा वाली जो फसलें हैं वो इसमें उत्पादित नहीं होती। सामान्य फसलें जैसे जौ है, बाजरा है, वो इसमें हो जाती है, लेकिन गेहूं के लिए बात करें, अगर हम धान के लिए बात करें, तो ऐसी फसलें इसमें नहीं होती हैं। इन फसलों के लिए इनमें हम रासायनिक खादों का उपयोग करके ही इनको करते हैं। एक और बात देखो, लाल मिट्टी को कभी कभी पूछता है कि उपजाऊ अगर बनाया जाए, ये थोड़ा कम उपजाऊ होती है, कहीं कहीं ये बहुत सी जगह बंजर टाइप में भी रहती है। तो अगर हम इस मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे तो बहुत बार पूछा जाता है काय का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए, लाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें, चूना लगाया जाता है, इससे ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बनती है। क्षेत्र आप लोग देख ही पा रहे हैं कहां कहां किन किन क्षेत्रों में ये फैली रहती है, ठीक है।
और अगला देखिए, इसके बाद जो मिट्टी है आपका वो जो पढ़ने वाले हैं लैटेराइड मिट्टी। अगला जो मिट्टी है वो है लैटेराइड मिट्टी चौथे नंबर की। देखिए चौथा जो नंबर है वो है लैटेराइड, लैटेराइड मिट्टी। लैटेराइड मिट्टी की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा ये केवल 4 से 5% क्षेत्र ही है इसका, बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है। 4 से 5% क्षेत्र ही पे पाई जाती है। और आप लोग देख पा रहे हैं ये जो मैंने गहरा गहरा साइनिंग किया है यहाँ पे तो बहुत कम, ये यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा ये मिजोरम में जाके, ठीक है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी इन राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये केरल में ही पाई जाती है लैटेराइड मिट्टी। और लैटेराइड मिट्टी देखो दो तरह की होती है, अगर हम लैटेराइड को पढ़ते हैं तो दो तरह की होती है, एक तो ये होती है लाल लैटेराइड और एक होती है सफेद। एक लाल लैटेराइड होती है, एक सफेद। अब ये लाल लैटेराइड का कारण देखो, लाल तो कहीं भी हो याद रखना, चाहे कोई ग्रह लाल है चाहे मिट्टी लाल है, सबका कारण क्या होता है तो लोहा ही होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो इस मिट्टी का भी लाल होने का जो कारण है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लैटेराइड लाल रंग की होती है। और इधर केओलिन, केओलिन के कारण ये सफेद रंग की होती है, केओलिन के कारण ये सफेद रंग की होती है खड़िया मिट्टी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा केओलिन के कारण ये सफेद होती है और आयरन, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड या लोहे के कारण ये लाल रंग की होती है, ठीक है। अच्छा अगला देखो, ये मजबूत बहुत होती है, ये ऐसे पाई जाती है जैसे आप देखेंगे कि पानी लगाने के बाद कहीं जगह फट जाती है ना, तो एकदम ऊपर का जो पार्ट है बहुत हार्ड हो जाता है, तो ऐसे ये बहुत हार्ड मिट्टी होती है, ठीक है ना। ये मिट्टी बहुत हार्ड होती है, अगर ईंट बनाई जाए तो सबसे अच्छी ईंट लैटेराइड मिट्टी से बनेगी, ठीक है। दूसरा देखो, अगर फसल की बात करें तो ये भैया सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो चाय की फसल के लिए, चाय की फसल इसमें सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें काजू भी होता है, चाय काजू, ठीक है नहीं, मसाले भी होते हैं इसमें, चाय काजू मसाले, इनके लिए ये क्या है, ये मिट्टी बहुत उपयोगी है इनके लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर हम बात करें क्रम में तो आप लोग देख पा रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी को, देखिए मरुस्थलीय मिट्टी। और जब भी हम मरुस्थलीय मिट्टी को देखते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही दिमाग में एक बात खड़ी हो जाती है, हम जो पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय मिट्टी को, और जैसे ही हम मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में एक बात खड़ी हो जाती है कि ये उपजाऊ नहीं होती। मित्रों आप लोग जान लीजिएगा मरुस्थलीय मिट्टी, इसका जो दूसरा नाम है वो शुष्क मिट्टी भी है। मरुस्थलीय मिट्टी को ही शुष्क मिट्टी कहा जाता है, आप लोग देख रहे हैं ये क्षेत्र है मरुस्थलीय मिट्टी का। और मरुस्थलीय मिट्टी उपजाऊ होती है, याद रखिएगा ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ होती है ये मिट्टी, उपजाऊ है, पर इसमें फसलें क्यों नहीं होती, तो याद रखिए पानी के कारण, जल के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण इसमें फसलें नहीं होती। अगर मरुस्थलीय मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी दे दिया जाए तो फसलें उगना शुरू हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी को, ये मिट्टी बनी कहाँ से है, तो आप लोग जानते हैं कि जो चट्टाने हैं, चट्टानों पर चट्टाने जब टूटती हैं या चट्टानों का जब क्षय होता है ताप के कारण, दाब के कारण, तेज हवा के कारण, ठीक है नहीं, तब जाके इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये कहाँ पाई जाती है तो आप लोग जानते हैं, हमारे तो यहाँ ये कुछ पंजाब का क्षेत्र है, नहीं तो पूरा राजस्थान, राजस्थान के क्षेत्रों में भारत में शुष्क मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिए इसको। अगला देखिए, अगला क्रम में अगर हम देखें तो अगली जो मिट्टी है आपकी वो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले लवणीय मृदा। आप लवणीय मृदा की बात करेंगे, लवणीय मृदा, ठीक है नहीं, लवणीय मृदा जो नमकीन मिट्टी है, लवणीय मृदा क्या है, नमकीन मिट्टी, या ये दलदली मिट्टी भी रहती है, ठीक है। इसमें होता क्या है तो इसमें आप लोग देखेंगे लवणी क्यों है, मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड
और सोडियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ही ये मिट्टी क्या रहती है, आपकी लवणीय रहती है, नमकीन रहती है, ठीक है ना। और जब ये उच्च घुलनशील पदार्थ हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, सूखने नहीं देते। ऊपर ऊपर से तो ये ऐसा लगे कि सूख गई है, और इनकी उपस्थिति के कारण ये अंदर से क्या रहती है, तो गीली रहती है। और कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इस मिट्टी में फसलें नहीं हो सकती, इसमें फसलें नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। तो लबड़ी मृदा आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बनाया है आपको। देखो एक तो यहाँ ये पाई जाती है इस क्षेत्र में, ये आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, और एक पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये भी ये पाई जाती है। अगला देखिए, अगली अगर हम बात करें तो अगली जो मृदा है वो है आपकी पर्वतीय या बनीय मृदा। अगला है क्रम में, तो अगला पढ़ने वाले हम पर्वतीय, पर्वतीय या बनीय मृदा, पर्वतीय या बनी मृदा। तो जो पर्वतीय या बनी मृदा है, ये मृदा देखो सबसे पहले पर्वतों पर ही ज्यादा मायने में पेड़ होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है, तो वो मिट्टी कौन सी है, बनी या पर्वतीय मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है। कहाँ होती है ये, तो पर्वत, जहां जहां पर्वत हैं, और पर्वत हैं तो वहां वन होंगे, है ना। अरावली को अगर छोड़ दें, अरावली को छोड़ दें तो ज्यादातर भारत के पर्वतों पर वन ही है, अधिकतर वन क्षेत्र पर्वतों पर ही है। तो वहां पेड़ों के पत्ते गिरते रहते हैं और वो नष्ट होते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि पेड़ों में नाइट्रोजन, ठीक है नहीं, पेड़ों में क्या होता है कि नाइट्रोजन एकत्रित होती रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पौधे लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में रहते हैं, जैसे ही पत्तियों में वो एकत्रित होता है और वो जैसे ही जमीन पर गिर जाती है वो फिर से नाइट्रोजन में बदल जाती है। इसीलिए याद रखिएगा कि इस मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। अगला देखिए, पीट या जैवी मिट्टी और रह गई, तो ये भी आपके उच्च घुलनशील, उच्च घुलनशील तत्वों की उपस्थिति के कारण ही बनी हुई होती है पीट या जैवी मृदा। तो ये सामान्य क्वेश्चन बनते हैं, इससे आप लोग देख पा रहे हैं। अगर क्षेत्रों की बात करें तो चित्र से देख लीजिएगा कौन कौन क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लगे रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है ना, तो बस पढ़ते रहिए अभी। धन्यवाद।